मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वरुण दुबे और जैसे कि मैंने आपको कल वादा किया था किसी ना किसी को पकड़ के लेके आऊंगा, तो आज मैं दीपाली को पकड़ के लेके आया हूँ अपने साथ मार्केट का पंचनामा करने के लिए। तो आपको दीपाली भी बताएंगे कि आज का मार्केट कैसा रहा। लेकिन दीपाली, 6 दिन तेजी, कल एक पॉज और आज फिर से कम हरे निशान में हम बंद हुए, ये अच्छी बात है क्योंकि वो साफ दिख रहा था कि रेंज में कारोबार। हाँ, रेंज में कारोबार है। लेकिन जो सुबह खबरें आई थी ना कि ब्रेक्जिट की डील खत्म हो गई, वो थोड़ी इतनी डराने वाली। हाँ, ऐसा लग रहा था कि यार आज तो खत्म, आज शायद मार्केट हो सकता है कि सेकंड हाफ में या फिर बाद में कभी गिरे, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी भी है तो कहीं ना कहीं लोग मुनाफा वसूली करने का सोच ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हुआ नहीं। और एक चीज और खास बात रही है वरुण, कि अगर आप 3-4-5 सेशन पहले देखेंगे तो बहुत बड़ी रेंज में निफ्टी ट्रेड होता था, राइट। अब वो रेंज धीरे 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 छोटी हो रही है और आज आप देखेंगे 60-70 अंकों के दायरे में ही निफ्टी घूमता हुआ दिखा, राइट। तो उससे थोड़ी टेंशन कम होती है और वही मोमेंटम हमने आज के सत्र में देखा भी। इस समय में 11600 के नीचे, पिछले समय में 11650 को पार भी किया, तो आखिर में 11600 को इंटैक्ट रखा, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्ट कर भी रहते 11600-11700 के बीच में घूम सकते हैं। हाँ, बैंक स्टॉक हो, सुबह जब मैंने वो एफआईआर और डीआईआर का भी आंकड़ा देखा ना कि दोनों बेच के निकल गए, तब मैं थोड़ा एक्चुअली टेंस हो गया था कि क्या पता आज हरे निशान में बंद होगा कि नहीं। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था सुबह कि शायद ही हरे निशान में बंद ना हो, लेकिन 2-3 फैक्टर्स थे। एक सबसे बड़ा फैक्टर तो वही जैसे कि आपने कहा, बैंक्स ने सपोर्ट किया, एक्सिस बैंक के नतीजे अच्छे आए और अर्निंग से भी सपोर्ट आ रहा है वही। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, स्लो डाउन कहते हैं, पिज्जा बिक रहा है, चाइनीज बिक रहा है, पेंट बिक रहा है, तो बात ही मत कीजिए। जो मेन फूड वर्क्स को ये लग रहा था कि जोमेटो और स्विगी के आने के बाद इम्पैक्ट होगा, लेकिन वो इम्पैक्ट वरुण कुछ नहीं आया। आप ऑर्डर कीजिए, आपको 3 बजे भी ऑर्डर पिज्जा डिलीवर करता है मेन फूड वर्क्स, राइट। अब 3 बजे 2 बजे कोई रात को नहीं कर, रात को ओके, तब जोमेटो और स्विगी सोते रहते हैं। 3 बजे भी डिलीवरी जो मेन फूड वर्क्स की ओर से हो रही है तो आप उसके पास ही जाओगे, फिर आपके पास वो जस्ट है कि आप कॉम्पिटिशन को सर्वाइव कर सकते हो, आउट परफॉर्म कर सकते हो। शायद यही वजह है कि ब्रोकर हाउसेस तो स्ट्रांगली अपग्रेड जो मेन फूड वर्क्स। और वैसे ही मनी जेपी जुबिलेंट फूडवर्क पे व्यू भी पूछे। देखिए मनी जी, जुबिलेंट फूडवर्क पे तो व्यू साफ है और ये हमारी काफी लंबे समय से व्यू है कि इस ऐसे टाइप के स्टॉक जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं ना, उनमें आपको पैसा रखे रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो जब चलना शुरू होते हैं ना तो सबको बीट कर देते हैं। और जुबिलेंट स्टॉक भी, जुबिलेंट फूडवर्क भी उन्हीं स्टॉक्स में से एक है, जैसे कि आपका पेज इंडस्ट्रीज है, बाटा है, वैसे ही जुबिलेंट फूडवर्क भी है। धंधा अच्छा है और आप तो रिजल्ट्स में भी देखने मिल रहा है कि अच्छे खासा धंधा चल रहा है। सेम स्टॉक सेल्स ग्रोथ, क्योंकि लोग मान रहे थे कि स्लो डाउन है तो डिस्क्रिशनरी में सबसे ज्यादा स्लो डाउन देखने मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो रिजल्ट्स आपको साफ बताते हैं, राइट। दूसरी बात, रिकॉर्ड हाई पर स्टॉक आ चुका, रिकॉर्ड हाई पर होने के बावजूद भी आप ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स देखिए, इसीलिए जैसा ब्रोकर जिसके 1850 टारगेट थे आपको रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। लंबी अवधि में ये अच्छा आपको पैसा भी कमा के देगा और ग्रोथ अभी बाकी है इस क्वांटम में, तो इसके लिए आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में बना के रखना चाहिए। इन्फोसिस से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ओह बाबा, सवाल है 625 पे इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे आज, तो देखिए इन्फोसिस को लेकर अब ये कह सकते हैं कि जो विसल ब्लोअर की न्यूज आई है उसके बाद कंफ्यूजन तो बना रहेगा। अब इन्फोसिस ऐसा स्टॉक तो है नहीं कि जो हर दिन 15% टूटे, तो वो एक रिएक्शन हम ऑलरेडी कल के सेशन में देख चुके हैं, लेकिन इन स्तरों से बहुत तेजी से ये चलेगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है जब तक कि क्लैरिटी इस पूरे मामले को। लेकिन दीपाली, एक बात आज अच्छी हुई है, आज इसके 8 रुपए के डिविडेंड की एक्स डेट थी, उसके बावजूद ये स्टॉक हरे निशान में बंद हुआ है, तो वो साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे आप बाइंग पोटेंशियल है। लोगों को अभी भी इस कंपनी के जो फंडामेंटल है उसके ऊपर भरोसा है, नो डाउट। कल ये गिरा, विसल ब्लोअर की रिपोर्ट थी और ये रिपोर्ट्स अब आती रहेंगी कुछ दिनों तक, आपको ये न्यूज देखने मिलेगी कि आज विसल ब्लोअर ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो दीपाली ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। 600 के आसपास एंट्री एक बहुत अच्छा पॉइंट ढूंढा आपने। अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आपने लिया है तो सही डिसीजन नहीं है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री ली है, बने रहिए स्टॉक में। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा बट ये स्टॉक इन स्तरों से बहुत नीचे जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, या फिर इन स्तरों से भी नीचे जाएगा उसकी चांस तो नहीं है, तो होल्ड रख सकते हैं। अच्छा, तेजस गोड़े HDFC लाइफ पे पूछे 620, मुझे इसका रेट तो याद नहीं फिलहाल कितना है, 615-614 लाइफ, हाँ ये इतना ही इसके आसपास ही है ना। और आज नतीजा है रिजल्ट्स में, जो प्रीमियम न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है वो इनका थोड़ा घटा है, 29% से गिर के 25% के आसपास आया है, तो वो एक चिंता की बात है। हालांकि ये जो ओवरऑल स्पेस है लाइफ इंश्योरेंस स्पेस वो काफ़ी अच्छी है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो उस लिहाज से आपको जैसे कि HDFC लाइफ है, HDFCs है, इनके एक क्वार्टर के नतीजे के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, मैं तो कहता हूँ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेडर्स के बस का काम नहीं है, ये ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक्स है नहीं, तो उसे कैटेगरी का स्टॉक है, रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपको बिल्कुल बेचना नहीं है। 620 पे भी लिया है, रखे रहिए,
अच्छा पैसा कमा के आपको लॉन्ग टर्म में स्टॉक जरूर देगा। प्रकाश दीवान का सवाल आ रहा है, प्रकाश दीवान और यस बैंक, हाँ ये एक्सपर्ट नहीं है हमारे okay. है। और यस बैंक कुछ आप खरीद सकते हैं क्या? देखिए यस बैंक पर तो खरीदने की सलाह हम बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। 1100 का आईपीओ, 3000 का स्टॉक हो चुका है, रिकॉर्ड लेवल्स पर ट्रेड करा, ले सकते हैं बट थोड़ा नीचे मिले तब लीजिए। राइट, 3000 के ऊपर क्योंकि अभी स्टॉक आ चुका है। हाँ, लेकिन तो वही है, मौका मिले आपको छोटा मोटा टिप, ऐसा तो है नहीं कि वन वे स्टॉक चले, तभी तो थोड़ा बहुत नीचे मिलेगा, तब धीरे धीरे आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन या तो आप इसको एसआईपी के तौर पर इसमें निवेश करें तो ज्यादा बेटर है, एक मुश्त पैसा ना लगाएं इसमें। चलिए अगला सवाल, यहाँ पारस डेडिया पूछे भेल 54 पे। यू नो दीपाली, जब वो पीएसयू की स्टोरी चल रही थी ना कि इसमें डिसइन्वेस्टमेंट होगा, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट होगा, तब मेरे दिमाग में एक ही बात आती थी, यार भेल का नाम क्यों नहीं आ रहा है, भेल का नाम क्यों नहीं आ रहा है। और अब हाँ, अब उसका भी नाम आ गया कि भेल में भी कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट होगा, सरकार उसमें भी हिस्सा बेचेगी, तो ये भी उस डिसइन्वेस्टमेंट की स्टोरी का हिस्सा है। लेकिन आपको एक बात याद रखना चाहिए, आपकी जो बाइंग 54 के आसपास है, ये स्टॉक मेरे ख्याल से उन लेवल्स के आसपास या उसके ऊपर चल रहा है। और जो ओवरऑल पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट की स्टोरी के चलते जितने स्टॉक्स चले हैं ना, उनके मुकाबले ये स्टॉक नहीं चला है, तो अब इसकी बारी है। तो अब जब इसकी बारी आएगी ना, तो ये स्टॉक धनाधन चलने वाला है और इसकी स्टोरीज लगातार आपको आते हुए दिखाई देगी। ऐसा होगा तो आपको स्टॉक ये शायद 60-70 के लेवल तक भी जाते हुए दिखाई दे, अगर उन लेवल्स पे एक बार मिलता है, टेस्ट कर सकता है। हाँ, इसने किया है, बट तो अब क्योंकि मोमेंटम पीएसयू में बन रहा है तो डेफिनेटली आप रख सकते हैं। राइट, इसको बेचना नहीं, आपको इन लेवल्स पे तो बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए मेरे ख्याल से, थोड़ा पेशेंटली वेट करिए, आपको ये स्टॉक और पैसा कमा के देगा। अच्छा, यहाँ हेमंत पिपलावा ये बजाज ऑटो पे पूछ रहे हैं, आज तो गजब कर दिया बजाज ऑटो ने, रॉन्ग नंबर्स डेफिनेटली भी वैसे वरुण। हाँ, लेकिन था कि हीरो के मुकाबले बजाज ऑटो परफॉर्मेंस अच्छी रही, और बेसिकली इनकी सेल्स भी हाँ, के बावजूद भी और स्ट्रांग परफॉर्मेंस कंपनी। राइट, ये सबसे अच्छी बात है। तो ये क्या दिखाता है कि शायद जितनी डिस्काउंटिंग लोग सोच रहे थे, जितने प्रमोशंस लोग सोच रहे थे, उतने एग्रेसिव डिस्काउंटिंग नहीं हुई है। इसके लिए आपके मार्जिन जो है वो एस्टिमेट से अच्छे आए हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप तीनों टू व्हीलर्स को कंपेयर भी करेंगे, टीवीएस, बजाज और हीरो, तो क्वार्टर टू के भी जो वॉल्यूम्स थे ना, वो तीनों में सबसे बेटर बजाज ऑटो के थे। सबसे कम गिरावट वो एक्चुअली पिछले क्वार्टर में ऐसा हुआ था कि सबसे अच्छी बढ़त मेरे ख्याल से एकमात्र कंपनी थी जिसके वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई थी। इस बार नो डाउट गिरे हैं, लेकिन सबसे कम गिरावट जो है वो बजाज ऑटो में, ऑटो के वॉल्यूम्स में देखने मिली, और मार्जिन तो आपने देख लिया किस तरह के अच्छा, और इसी के चलते पूरा जो ऑटो सेक्टर आज रीरेट हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि ऑटो को लेकर ऑलरेडी इतना पेसिमिज्म था, खराब नंबर्स आएंगे, खराब वॉल्यूम ग्रोथ है, वो सब अब धीरे धीरे फैक्टर इन होने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए अब एक और सवाल अशोक लेलैंड पर आ रहा है, सेटी का, इनके पास लगभग 1100 शेयर्स है 92 के प्राइस पर, चला तो है ये स्टॉक भी बाकी ऑटो स्टॉक्स के साथ भी, लेकिन आपके भाव से तो अभी भी नीचे, शायद 76-77 के आसपास ये स्टॉक आज था 80 के आसपास होगा, तो नुकसान तो आपको है भी, लेकिन क्योंकि पूरा ऑटो अब धीरे 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 चल रहा है, फेस्टिव सेल्स को लेकर बहुत हाई एक्सपेक्टेशन, अब देखना होगा अशोक लेलैंड के इस मंथ के नंबर्स कैसे आते हैं, यानी ओके मंथ के, हाँ उसके बाद देखना होगा कि आप क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग रख सकते हैं अशोक लेलैंड को, क्योंकि अब ऑलरेडी आप नुकसान तो झेल ही रहे, थोड़ा समय रुक सकते हैं, एटलीस्ट मेरे ख्याल से अक्टूबर के सेल्स नंबर्स देख लें, एक बार देख लें, रिजल्ट्स भी आएंगे वो भी देख लें एक बार भी आएंगे। हाँ, तो अभी दो जो इवेंट है उनको देखने के बाद आप वापस से स्ट्रैटेजी इस पे पता कीजिए क्या करना है, लेकिन टाइम बीइंग आप इसको होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री ना ले, ये बात याद है। अच्छा, संजय मोदक HEG पे पूछ रहे हैं, अब दीपावली हो ही रहा है ना, पिछले 2-3 दिनों से ये जो हाई बीटा नेम्स थे ना, इनका चलना शुरू हुआ था, HEG, ग्रेफाइड, आपके इंडिया बुल्स के स्टॉक, यस बैंक, RBL, आज ये सब ठंडे पड़ गए, फिर से गिरावट आ गई। और HEG और ग्रेफाइट वैसे भी बहुत एक समय के बहुत फैंसी स्टॉक होते थे, वरना थे, वो बात वही है कि ये स्टॉक्स थे मोस्ट वॉलेटाइल हो गए हैं। हाँ, मोस्ट वॉलेटाइल हो गए, तो अगर आपको इन स्टॉक्स में खेलना है तो आपको एज ए ट्रेडर खेलना चाहिए, एज ए इन्वेस्टर आपको इन स्टॉक्स में नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी चाइना फैक्टर जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, वहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, तो इनको शायद बोल जो मिला था इसके पहले बेनिफिट, वो शायद अब मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसके लिए अगर आप फंडामेंटली देखें तो आपको फंडामेंटली इनकाउंटर में कुछ नहीं मिलने वाला, जो भी आपको मिलेगा वो टेक्निकल मूव्स ही मिलेंगे। तो अगर आपको इन स्टॉक्स में एज ए ट्रेडर ट्रेड करना चाहिए, आज ये गिरा है कल शायद वापस चलेगा, और जब चलेगा तो आप मोमेंटम को राइड कीजिए और अपना मुनाफा बन के निकल जाइए, ज़्यादा लंबे के लिए इस स्टॉक में रहना नहीं चाहिए।
संजीव गोयल ने सवाल भेजा है, मारुति के 60 शेयर्स हैं 7100 के प्राइस पे, 3 साल के लिए रुक सकते हैं, होल्ड कीजिए देखिए आप मारुति को, आपके भाव के ऊपर आ चुका है। हालांकि आपकी और नीचे की बाइंग होती 6000 के आसपास की तो और भी बढ़िया होता क्योंकि स्टॉक चला भी है। कल मारुति के रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स खराब रहेंगे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये खराब रिजल्ट्स ऑलरेडी इन लेवल्स पे फैक्टर्ड इन है, बाजार मान के चल रहा है क्या नंबर्स भी आएंगे। अगर आप बायो बेसिस पे कंपेयर भी करेंगे तो इनका मुनाफा हो वो 50% घट रहा है, एबिटा का 50% घट रहा है, मार्जिन इनके सिंगल डिजिट में आ जाएंगे सीक्वेंशियल बेसिस पे, यानी पिछली तिमाही में 10.5 मार्जिन से जो कि 8.7% आने का आशंका है, लेकिन आगे का आउटलुक अब धीरे धीरे बेटर हो रहा है, क्वार्टर टू की सेल्स को लेकर बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप अभी होल्ड रखिए स्टॉक को, लेकिन नजर रखिए अर्निंग्स पर, मैनेजमेंट कमेंट्री पर, साथ ही अक्टूबर नंबर के सेल्स के ऊपर, तो रख सकते हैं हमारे। अच्छा, अभिषेक शेवकर पूछ रहे हैं आरबीएल बैंक, देखिए ये बैंक एक दिक्कत बन चुका है अपने आप में, एक तो इस कंपनी के नतीजे कमजोर और एसेट क्वालिटी को लेके इसके काफी कंसर्न्स है, और देखिए मैं जितनी रिपोर्ट पढ़ रहा था ना दिवाली वो सबकी सब इसी के तरफ हाईलाइट कर रही थी कि एसेट क्वालिटी को लेके कंसर्न है और आगे ये कंसर्न जो है वो और भी जारी रहने वाला है। इसके लिए आपने देखा इस स्टॉक ने आज अपना फिर से एक बार लाइफ लो बनाया है, लिस्टिंग प्राइस के नीचे चला जाता है एक बार तो ये शेयर, तो हालत बहुत खराब है आरबीएल बैंक की। देखिए आपको इस स्टॉक में अगर फ्रेश एंट्री लेनी है नहीं करना है, बिल्कुल नहीं लेनी है, अगर आपके पास पड़ा है ये स्टॉक तो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा करके निकालना शुरू कर दीजिए। इस स्टॉक में हमने पहले भी आपको कहा था कि कभी इस स्टॉक में रहना नहीं चाहिए फिलहाल, क्योंकि इसके अलावा आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। लोग ये सोचते हैं कि हाँ काफी सस्ता हो चुका है तो लोअर लेवल पे हम जाके ले ले तो शायद यहाँ से मल्टीबैगर बन जाए, नहीं, ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं वो पिटते हैं और पिटते ही चले जाते हैं, ये इनकी तकलीफ है, वो आपको बैगर बना देंगे। डेफिनेटली तो ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना है, तो मेरे ख्याल से आरबीएल बैंक भी बिग नो है। एनबीसीसी पे ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, सुभाष का एक सवाल है, 1000 क्वांटिटी है, 40 रुपए का रेट है, आप नीचे खरीदा है वैसे तो, बट एनबीसीसी से भी आपको जैसी मौका मिले निकल जाइए स्टॉक। हाँ, ये आपको बहुत समय देना पड़ेगा, बहुत समय, 5-7 साल का समय देना पड़ेगा, क्योंकि रुक सकते हैं तो होल्ड कीजिए, हाँ, नहीं तो ये आपका पेशेंस टेस्ट करना, लाखों करोड़ों की ऑर्डर बुक है, तो ऑर्डर बुक इनकी बहुत तगड़ी है, लेकिन याद रखिए सरकारी ऑर्डर है सबके सब, तो और वो फ्रुक्टिफाई होने में और जो बैलेंस शीट और पीएनएल में दिखने के लिए ना उसको समय लगेगा। इसके लिए ज्यादातर पीएसयू कंपनीज अगर आप देखें तो उनका यही हाल है, और एनबीसीसी तो उन कैटेगरी में भी नहीं है जहाँ डिसइन्वेस्टमेंट या ऐसा कोई फिगर हो, तो वो ट्रिगर भी यहाँ आने वाला है नहीं, तो बचा क्या स्टॉक में जो है वो फंडामेंटल है, फंडामेंटल प्ले होने को बहुत समय लगने वाला है। अगर आप मुनाफे में हैं तो मेरे ख्याल से निकल जाइए, कोई ऐसा स्टॉक ढूंढिए जिसमें पैसा शायद ज़्यादा जल्दी बने, अगर आप नुकसान में हैं तो थोड़े दिन और रुकिए, शायद हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत मुनाफा आए तो निकल जाना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप 5-7 साल रुक सकते हैं तो रखे रहिए, नहीं तो निकल जाइए, दूसरे स्टॉक में पैसा लगाइए। संकेत गोरे का सवाल है IRCTC और पिरामल एंटरप्राइजेस पर, बाप रे, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बोलना चाहिए। वैसे पिरामल के रिजल्ट आए थे कल, कल ये स्टॉक जोरदार चला था, उसके बाद फिर से अब वापस वो ठंडा पड़ना शुरू हो गया, तो पिरामल उसी कैटेगरी का स्टॉक है, हालांकि फंडामेंटली इस कंपनी में कोई गलत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से NBFC फार्मा कम NBFC है, कंसिस्टेंट वन वे मूव देंगे उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ऊपर नीचे होते रहेंगे फॉर टाइम बीइंग, इसलिए शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बहुत वायबल नहीं है PEL पे। IRCTC की जहां तक बात है, अगर आपने लिया हुआ, देखिए स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग के बाद से कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस अगर आपके पास है और आप डेफिनेटली फिर तो मुनाफे में होंगे, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए, डेफिनेटली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को होल्ड रखिए, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लाते जाइए और फिलहाल के लिए बने रह सकता है IRCTC। चलिए अब मेरे ख्याल से दीपाली हमें विदा लेना चाहिए, है ना, तो अब हम विदा लेते हैं और कल फिर कोशिश करेंगे आपके पास फिर किसी ना किसी को लाऊं, हो सकता है मैं दीपाली को फिर से पकड़ के ले आऊं क्योंकि आशीष तो है नहीं अभी, तो कल मिलेंगे आपके साथ, आपके सवालों का जवाब फिर से देंगे, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।